भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद के कटघर में मौजूद हैं और यहाँ पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। कई पर्व त्योहार हैं सामने, लेकिन उस बीच भागलपुर में एक जो है वो बम नुमा आकार का एक डब्बा जो है यहाँ सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई, अफरातफरी मच गई और लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं होने लगी। और चर्चाएं इसलिए भी होने लगी क्योंकि भागलपुर के शहर में, बीच शहर में कई बार बम विस्फोट जैसी बड़ी घटना हुई है। हम आपको याद दिला दें तो काजवली चक की घटना कोई भूल नहीं पाया अभी तक, जिस घटना में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं, जहां पर यह बम मिला है, यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर पिछले साल ही एक बार बम विस्फोट हुआ था और बम विस्फोट अब्दुल गनी के घर में हुआ था और वहां पर एक व्यक्ति जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। और इसके बावजूद आप भागलपुर की बात करें तो कितनी लाचारी है यहाँ के पुलिस की, यहाँ के विभाग की, कि अभी तक जो है भागलपुर में बम निरोधक दस्ता जो है वो नहीं हो पाया है। जब भी ऐसा कुछ घटना होता है, बम मिलने की सूचना होती है या फिर विस्फोटक कोई भी पदार्थ जिस तरह से अभी मिला है उस तरह से अगर मिलता है, तो यहाँ की पुलिस जो है वो जमालपुर में बम निरोधक दस्ता को कॉन्टैक्ट करती है और वहाँ से वो टीम जो है चलती है यहाँ की जाँच करने के लिए। अभी जो बम मिलने की सूचना मिली थी उसका करीबन 2 घंटा समय जो है वो हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बबरगंज थाना पुलिस के पदाधिकारी मौजूद हैं। तमाम जो लोग हैं अभी इससे पहले वरीय पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे थे, जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि यह बम है या फिर विस्फोटक पदार्थ है या अभी भी ये फट सकता है या नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं और बम निरोधक दस्ता का आने का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि पर्व त्यौहार के बीच अगर इस तरह का प्रयास, इस तरह का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किन्हीं के द्वारा किया जाता है तो क्या पुलिस की उन पर नज़र क्यों नहीं रहती। और लगातार इस तरह की घटना होती है भागलपुर में, उसके बावजूद, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पर बम निरोधक दस्ता अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध है। और क्या हम लोग खड़े खड़े इतने देर तक इंतजार करते रहें कि क्या कोई घटना हो जाए या अगर विस्फोटक है तो ये फट जाए और लोगों को जान माल का नुकसान हो जाए। तो इस तरह की लाचारी भागलपुर में देखने को मिल रही है, तो इस पर सुधार की आवश्यकता है और भागलपुर में बम निरोधक दस्ता होना बेहद जरूरी है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।